अरे शाबाश, अरे शाबाश बेटा। अस्सलाम वालेकुम आईटी फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में बच्चों के साथ और इसके पापा के साथ बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज बहुत फन होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक के व्लॉग जरूर देखिए। तो यहाँ पर मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी थी, तो सुबह में मैं बनाने लगी थी यहाँ पर जो सेवैया होती है ना, उसके तेज वाली सेवैया। तो उसमें मैंने प्याज डाल दी थी, हल्दी डाल दी, कड़ी पत्ता डाल दी, तेल डाल दी और जीरा डाल दी हूँ और नमक ऐड कर दी। हाँ, इसको उल्टी उल्टी लगती है अगर ये मीठा खाता है तो। और हाँ, और इकरा भी बोल रही है कि मीठा नहीं खाना है, तेज वाली सेवई खानी है करके। तो यहाँ पर इसी वजह से ये तेज सेवैया बन रही है। यहाँ पर निकिया मैंने डाल दी हूँ इसमें थोड़े से प्याज भूनते हुए, तो टमाटर और जो सेवैया थी ना, तो सेवैया को मैंने ऐसी बारीक कर ली हूँ इसको। तो हम हल्का सा ना टमाटर को, मतलब थोड़ा सन के ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए इस तरीके से हम इसको भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे सेवैया, क्योंकि टमाटर हमारे हो चुके हैं सॉफ्ट, सारी सेवैया डाल के हम इसको भून लेंगे। जब तो अपन बाजार जाते हैं ना, तो जो वेजिटेबल्स रहते हैं ना, उसको गर्म पानी में डालते हैं। हाँ, उससे कीटाणु मरते हैं। अच्छा, तो बैक्टीरिया। हाँ, तो यहाँ पर मैंने डाल दी। लोगों की बातें चल रही है अजान की और इकरा की। वायरस बहुत पता है ना, अच्छा। तो यहाँ पर हम इनकी बातें चलने देते, कंटिन्यू होने देते, हम यहाँ सेवैया भून लेते। तो सेवैया हल्की सी हो चुकी है हमारी भून करके, ये हो गई सेवई भून के हमारी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, पानी एकदम ज्यादा ऐड कर देंगे आपको। यहाँ पर मैंने डाल दी हूँ समार इसमें। तो ये हमारी हो चुकी है बनके सेवैया रेडी, तेज वाली। चल बैठ आसान, चला जल्दी आ, चलो बैठो वहाँ पे, कोई भी ले लो ना। हाँ, जो खाना है वो खा। गेट लगा दो, हम लोग आते हैं जब तक। हाँ बाय, मार्केट जा रहे हैं हम लोग। वो पता नहीं वहाँ पर मुरुम वगैरह लाके डाले हैं, काय का और काय का नहीं है। तो जो लाल असेल तो तुम्हाला तर माहिती राहते कोणता लाल आहे आणि कोणता नाही। तर तो यहाँ पर हमने ले लिए थे तरबूज, भैया से काट के मंगे थे, लाल है कि नहीं है, क्योंकि नहीं क्या घर पे लेकर जाओ और सफ़ेद निकलता है ना, तो फिर बहुत अखरता है। क्योंकि लाल तरबूज रहा ना तो खाने का दिल होता है, वरना ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी नहीं खाना है। और लाल रहता है तो मीठा भी होता है। तो ये भैया ने हमको काट करके दिए थे तरबूज को। और शादियों का सीज़न शुरू है ना, तो रास्ते पर हर जगह बारात नज़र आ रही थी और हर तरफ नहीं क्या हर हॉल बुक थे शादियों के सीज़न की वजह से। अब जाहिर सी बात है कि बच्चे घर पर है और फल फ्रूट ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, और वो भी इसके पापा आए हुए थे इस वजह से। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने ले लिए कुछ केले और तरबूज, तो हम ले चुके थे, और बाकी के फल लिए, आम वगैरह लेकर के फिर हम लोग निकले बाहर के लिए। यहाँ पर आगे और अगर भाई इतना घूमेंगे तो पेट्रोल तो खर्च होना ही है ना, तो हमको पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। तो आ गए पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी लेकर के। ये गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे थे तब तक के मैं यहाँ खड़ी थी, और यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था, मतलब ये दिला रहे थे बच्चों के लिए कुछ ब्रेड वगैरह लेने के थे, तो वो लेने लगी थी मैं यहाँ पर। और इन्हीं के पास से लेते हैं हम लोग। ये वाला दे दो, एक छोटा वाला पैकेट है केस का, 10 का छोटा ही है। हाँ, मतलब पैसे का कम होता है, नीचे को कम हो गई, तो नीचे का नहीं है, नहीं नहीं कि जाते वक्त एक बारात मिली थी, फिर आते वक्त एक और बारात मिल गई। बताई ना आप लोगों को, शादी का सीजन शुरू है इस वजह से, नहीं कि सब हॉल पैक है और शादियों की बारात पूरे रास्ते भर में मिल रही है। और इस दिन तो, जिस दिन का ये व्लॉग है ना, उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा शादियाँ थी और पूरे हॉल बुक थे शादी की वजह से। तो आ गए हम फाइनली घर में, अभी सामान वगैरह लेकर के और डिग्री में से सामान निकाल रहे बच्चे। वो उधर में, उधर मेरे उधर में किचन में लेकर, चलो ये भी लेकर के आई करा। कहा हुआ माँ, तुम भी चुपचाप बैठ गए बेटा। हम लोग चुपचाप, हम लोग चुपचाप बैठ गए।
इसको फ्रिज में रखो, यहाँ पर तो किचन में इतना अंधेरा हो जाता। अभी यहाँ पर रखनी है मुझे चाय, क्योंकि इन्होंने चाय नहीं पिए थे, आए थे वैसे ही गए थे, तो चाय पत्ती डाल दी मैंने इसमें, शक्कर भी डाल दी और गैस ऑन कर देंगे हम। और यहाँ पर एक चाय होती है, तब तक हमारे दूसरे काम होते हैं, जैसे कि गुड़िया भी प्याज कट करने लग रही है। चिकन, हाँ चिकन लेकर के आए अभी, चिकन बनाती क्या है बताओगे तेरे को। और यहाँ पानी पीने लग गया है, तो अभी हम बनाएंगे चिकन। क्या हो गया, ब्रेड है, ये केला खा रहा है क्या? नहीं है ना, अच्छे ना, मीठे ना, जा फुट। मसाला हो गया हमारा पीस करके, लेकिन अभी चिकन वगैरह सब धोने का पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट चाय वगैरह बना करके ली हूँ मैंने अभी। भाई को बोलो ला देंगे, वो कैमरा ऊपर करना भाई, कैमरा मैन देखो ऐसे पेमेंट दे देंगे क्या फिर तेरे ख्याल में। उन्नीस करके रखे। तेल डाल दिए, तेल में डाल देंगे कड़ी पत्ता और लौंग और कलमी, मस्त है वीडियो। उसके बाद में डालेंगे अदरक लहसुन प्याज का मसाला, मैं डिलीवरी लेता हूं। धनिया पाउडर लेकिन आज ना पूरे किचन में सामान पड़े हुए हमारे, तो धनिया पाउडर डाल देंगे इसमें, क्योंकि मैंने सामान नहीं डाली थी इसमें, इस वजह से। साथ ही यहाँ पर गरम मसाला भी ऐड कर दूंगी मैं 1 से 2 चम्मच। और अभी इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे नमक डाल करके, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए इसमें। तो हाल दिखाई रहा था तो ये हो गया धनिया, नमक और गरम मसाला, इसको थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे। होममेड गरम मसाला जिसके बगैर ना हर सब्जी बिल्कुल अधूरी रहती है, चिकन और गोश्त की। हाँ आज हमको मजा नहीं आता होती, ये बात तो सही है। होममेड मसाला नहीं मसाले के बिना तो मेरे को मजा नहीं आता। पापा कहते, पापा और मैं दोनों कहते अभी लेकर के आए हो, जूस लिख करके दिया दुकान वाले ने लाल देख के लिए, वो उसको कट करके दे बोले पहले दूसरा लिया था, दिया था क्या बताऊँ, देगा लाल से और बोलते बीच में से कट करके दे देते, जब बीच में से कट करके दिया था फिर चेंज किया उसने मालूम है। मीठा खाने को डाला है ना भी आसान, मीठा कितना क्या है बोला, थोड़ा थोड़ा सा मीठा डालना आसान, ये भी खा ले। देखो नीचे से थोड़ा सा वो कपड़ा मार देना, तो मुझे पीछे हो जाएंगे नीचे सोना है, आधा काटने लगे वीडियो के बिगाड़ रही है तो बीच में से आके बाप रे पूरा कट गया। बुरी गत के यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। हमने तेल फूट गया है और यहाँ पर जो मसाला था ना ये हमारा भून करके हो रहा है, इसमें हमने एक टमाटर भी ऐड कर दिया और इसको अच्छे से भून लेंगे। और इन लोगों की बातें खत्म नहीं हो रही है, इस वजह से ना मेरे को यहाँ पर बनाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा हो गया है। यहाँ पर हमारा मसाला भून हो चुका है, मसाले में तेल फूट गया है, साथ ही यहाँ पर बन रही है मेरी रोटियाँ। और इसमें डाल देंगे अब हम ये जो हमने चिकन को फ्राई किए थे वो चिकन का तेल, साथ ही चिकन पूरा यहाँ पर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, मतलब भून लेंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हो गया हमारा चिकन भी तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से भून करके, अब हम इसमें डाल देंगे पानी, यानी कि आपको जितनी ग्रेवी लग रही है आप उतना इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 1 kg चिकन था, तो उस हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड कर दी, तो बहुत जो इसका सालन है मतलब जो शीरा
तो वो कम रहेगा एकदम, बहुत नहीं क्या। ग्रेवी जो है ना इसकी बहुत पतली नहीं की मैंने इस तरीके से ग्रेवी इसकी, ये देखिए ऐसे। और अब हम इसको नहीं क्या तकरीबन 10 पहले 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे रखेंगे और फिर 5 मिनट लेके हम इसको लो फ्लेम पे कर देंगे पकने के लिए, यानी कि तकरीबन 10 मिनट हम पकने देंगे और फिर इसमें हम धनिया डाल देंगे। और फिलहाल तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्चें, ऐसे बीच में से मैंने इसको ऐसे कट कर ली हूँ, ऐसे करके डाल देंगे। आया हमारा चिकन का सालन रेडी, इसमें मैंने सामान ऐड कर दी हूँ और अब हम कर देंगे गैस की फ्लेम को बंद। तो देखिए इसमें तेल भी ऊपर आ चुका है, चिकन भी हमारा अच्छे से हो चुका है और ग्रेवी इस तरीके की है, इसमें यहाँ पर इस तरीके का बन चुका है। ये हमारा खाना, खाने में है चिकन, आम, तरबूज, क्या है पुलाव। कैसा कैसा की है तो बॉडी है क्या, बस एक बार बॉडी दिखा ड्राइवर इस साथ की बॉडी में थैंक यू ड्राइवर है बेटा ड्राइवर आसान क्यों तो पता ही कुछ भी नहीं आसान का। देख ऊपर का, देख ऊपर का, ये दूर से ही दिखता है उनका, देख यहाँ होता ना ये यहाँ से ऐसा दिखता है उनका, देख अभी उन्होंने वैसा नहीं भी रखा फिर भी दिखता है उनका। तेरे को पता है क्या अभी देख ऐसी बॉडी लाने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, तेरे को कसरत करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ऐसा हुपाय ने क्या किया था, कुछ बोला कुछ ना, ऐसी कैसी बनी बोलना बॉडी तुम्हारी, अरे पूछना जिम विम कहाँ था पहले, तो बिना जिम के मैं तो ब्लैक दिखेगा लेकिन बहुत ज्यादा ब्लैक नहीं लग रहा क्या हैरान। तो हम लोगों का हो चुका है अभी खाना और अजान की अहरा सुनना, अजान की इतनी मजा, पापा को बोलता ओ बयान तुम्हारी बॉडी कितनी बड़ी है, बोलता दिखाओ, बोलता बॉडी को अपने तेरे पापा भी ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं उसको, फिर अपने दिखा रहा है। बोलो पूछ तुम क्या करते थे, जिम विम करते थे क्या, तो बोलता जिम विम जाते होंगे बोलता ही है। बोलो उस टाइम पे जिम कहाँ था, और ये देखो आप खुद ही करके दिखा रहा है ऐसा, दिखेंगी भाई भाई तो खा काय को इतना खा लिया। तो और निका चांद देखिए वहाँ पर, चांद ऐसा लग रहा है ना जैसे वो पहले बल्ब आते थे रेड वाले, वैसे बल्ब की तरह जल रहा है। और गुड़िया ने मुझे मेहंदी लगाई थी ना, तो ये मेहंदी निकल चुकी है और उधर में बहुत ज़्यादा शोर है क्योंकि अभी शादियाँ कंटिन्यूसली शुरू है उस वजह से। तो मैंने जैसे कि वेडिंग ब्लॉग का बोली थी, मतलब वेडिंग स्टार्ट हो गई, तो रियल में वेडिंग स्टार्ट है ना। तो अगर आप लोगों ने वो वाला व्लॉग नहीं देखी तो आप लोग जा करके देख सकते हैं वेडिंग व्लॉग। तो यहाँ पर निकिया मैं करती हूँ आज के व्लॉग को एंड। इधर हुआ है रार गुरु इकरा अजान, इधर हो और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।